कल गुरु जी गुरु रविदास जी जयंती भी है। हांडी वर्मा जी कर लिए प्रोग्राम। कल रविदास जयंती भी है और इसके लिए एडवांस में सबको बधाई शुभकामनाएं। संत रविदास जी जिन्होंने पूरे समाज को जोड़ने के लिए और इस प्रकार से उन्होंने काम किया है, आज भी जब हम देखते हैं और कहीं इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति नज़र आती है तो वहाँ उसी रूप में हम लोगों के मन में भाव आता है कि जो संत रविदास जी हैं, भगवान रविदास जी हैं, उनके कहीं ना कहीं सामने प्रस्तुत करके, सामने उस प्रेरणा को रख के हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस फिल्म को बनाने वाले लोगों के मन में जो भावना होगी, उस भावना से समाज को कैसे और अच्छा फायदा हो, किस प्रकार से समाज एक आगे में पुरोया जाए, जिस भावना को लेकर आपने इस फिल्म का निर्माण किया होगा ऐसा मेरा विश्वास भी है। मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है क्योंकि अभी शायद रिलीज हुई नहीं हुई, अभी 14 तारीख को होगी विमोचन हुआ। इसका ट्रेलर वगैरह भी नहीं मैंने देखा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ऐसे मुझे लोग मिले जिन्होंने रविदास जी पर फिल्म बनाई है, तो आपने कहा कि वो एक खुद भी बना रहे हैं, वो भी मेरे पास आए थे, तो इसके लिए अपना पुरुषोत्तम जी या जो भी लोग लगे होंगे, और ये हमारी प्रिंसिपल साहब, ये तो बहुत मेहनती महिला है, एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है और हमेशा समाज के बीच में अच्छा काम करने का प्रयास करती है। इस अवसर पर मुझे संतों के चरणों में नमन कि आपके मार्गदर्शन में लगातार निरंतर समाज को एक एकता का संदेश जाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास जी एक मध्यम दलित परिवार में जन्म का हुआ और उनकी कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में। राजा रीवा हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने काशी जाया करते थे, तो उस समय एक आना चलता था पैसा, तो संत रविदास जी जूती अच्छी बनाते थे, चमड़े की जूती, तो राजा रीवा उनके द्वारा बनाई गई जूती से ही वो वह जूता पहनते थे। तो उन्होंने संत रविदास जी ने क्या किया कि गंगा मैया के लिए एक पैसा दिया है कि चढ़ा दीजिएगा, राजा स्नान किए और एक पैसा चढ़ाया, गंगा जी ने स्वतः अपने हाथ से ले लिया और उन्हें एक सुंदर कंगन दिया। तो राजा के मन में लालच आ गई कि अगर ये कंगन मैं अपनी पत्नी रानी को दूंगा तो खुश हो जाएंगी। वो आए और रविदास से बोले, रविदास आपका पैसा मैंने चढ़ा दिया। बोले ठीक है, वापस गए और रानी साहब को उन्होंने वह कंगन दिया और रानी साहब ने कहा कि अगर दूसरा कंगन हमको मिल जाए तो पहनूं मैं। एक महीने बाद फिर गए, पूर्णिमा आई, फिर गंगा नहाए, फिर रविदास जी ने पैसा दिया चढ़ाए, फिर कंगन मिल गया। वो लेके आए, दोनों कंगन ले जाकर राजकुमारी को दिया। राजकुमारी जब सुबह निकलने के पहनने गई, दोनों कंगन गायब हो गया। राजा ने कहा मेरे से बड़ी गलती हो गई, तुरंत भाग के आए रविदास जी के पास और रविदास जी से कहा कि रविदास जी मुझे बहुत गलती हो गई। बोले क्या? बोले आपको पैसे के रूप में मुझे कंगन मिला था, मैं अपने राजकुमारी को दिया, कंगन गायब हो गया। तो रविदास जी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आप राजा हैं और एक पैसा राजा साहब ने से कहा कि आप इसे कठौती में डाल दें। उस कठौती जिसमें चमड़ा धोते थे उस कठौती में डाल दिया तो गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर के दोनों कंगनों को दिया और राजा को आशीर्वाद दिया। तब से ये प्रथा है कि जो मन गंगा तो कठौती में ये है। और रविदास जी कभी गंगा नहाए नहीं, रविदास गंगा जी किनारे कभी स्नान नहीं करने गए, ये भी तरह है, रविदास जी कभी गंगा नहाए नहीं गए। क्यों? वो मानते थे कि मेरी कठौती में ही गंगा है, जो कि उनका मन चंगा था। तो ये है संत रविदास जी। पुरुषोत्तम जी बड़े अच्छी कार्य कर रहे हैं भाई, एक दलित समाज का जो संत जिसे हम लोग आज भगवान मानते हैं, संत रविदास जी हम लोगों के लिए भगवान तुल्य हैं। आज जैसे वाल्मीकि जी भगवान तुल्य हैं, ऐसे वो तुल्य हैं, लेकिन वो किसी एक समाज के नहीं हैं। आज के दिन वो पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं। कोई एक समाज कहे कि मेरे हैं तो उसकी भूल है। ये लोग प्रकट रूप में भगवान रूप में आए हैं, इसलिए संत रविदास और वाल्मीकि जी दोनों सर्व समाज के हैं और पूरे विश्व के। महापुरुष ते चरणारविंदम। आज
रविदास हिंदी फिल्म का विमोचन हमारे इस पावन मंच श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की छावनी में हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, हमारे अग्नि अखाड़े हमारे निरंजनी अखाड़े के सचिव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हम सबों के अत्यंत प्रिय आदरणीय मदन कोशी जी महाराज, श्री महंत रामरतन गिरी जी महाराज मंच पर, श्री महंत ओंकार गिरी जी महाराज, सभी पूज्य संतों के पावन सानिध्य में आज यह रविदास हिंदी फिल्म का विमोचन पूज्य संतों के द्वारा किया गया, जिसका पूरा श्रेय हमारे पुरुषोत्तम को जाता है। पुरुषोत्तम अत्यंत परिश्रमी और प्रयत्नशील पुरुष हैं, जिन्होंने बहुत सारी परिश्रम करके इस फिल्म को इस स्थान तक पहुंचाया। न तो अभ्युदय न तो मनसा स्मरा में चित्तम नवनीत चौरम, पूज्य अध्यक्ष जी ने कहा कि रविदास जी गंगा के तट पर रहते थे, बिल्कुल अत्यंत पावन पुनीत दृष्टा के रूप में गंगा का दर्शन किया करते थे। रविदास जी की एक वाक्य है, कवि नरसिंह मेहता जी ने, महापुरुष एक दूसरे के बारे में लिखते रहते हैं, नरसिंह मेहता जी ने लिखा कि पावन सानिध्य को जग जीवन रविदास को नीर बहे जमुना तट, धीर को आद धीर को धीर अधीर मही तल गंगा तट महिसार वरे जज। गंगा को निहारने वाले रविदास जी गंगा को प्रत्यक्ष देखते थे, उनको गंगा पुत्र जैसा भी माना जाता था। न तो अब भी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रविदास जी की जो भक्त की श्रेणी थी उस भक्त श्रेणी में रवि, कबीर, नरसिंह, तुलसी, महाकवि कालिदास ये सब एक जैसे महापुरुष थे, और इन सबों ने भारतीय संस्कृति के लिए एक अनोखा मिसाल और अनोखा एक मार्गदर्शन हम सब महापुरुषों के लिए किया है। रविदास जी जिस कठोते में ठाकुर जी को नहलाते थे उसी कठोते से जूते को चमड़े का प्रयोग करते थे, चमड़े को धुलते थे। बताया गया है कि तुलसीदास जी एक दिन वृंदावन गए और तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि त मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। मेरा मस्तक आपके चरणों में प्रेम से श्रद्धा से और विश्वास से तब झुकेगा जब आपके सिर पे मोर मुकुट नहीं राज मुकुट होगा, आपके साथ में रुक्मिणी नहीं माँ जानकी होंगी, आपका शस्त्र धनुष बाण होगा या ना कि मुरली होगा। एक साधारण महात्मा, किसी ने तो ये भी कहा कि रविदास जी ही थे, लेकिन किसी ने कहा नहीं, एक साधारण महात्मा वहाँ आता है और तुलसीदास जी से कहता है कि आप किस भगवान से मांग रहे हो, ये उसी को देता है जिसने इसको दिया है, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथे व भजाम्य हम। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, क्या भगवान ये सच है, आप उसी को देते हैं जो आपको देता है। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराने का अर्थ यह है कि मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन व्यक्ति रहने वाला प्राणी भी उस बात को स्वीकार कर लेता है और जिस बात को सुन करके व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करता है, हंस देता है, मानो उस बात को भी व्यक्ति ने स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराया, भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान की मुस्कुराहट ने गोस्वामी तुलसीदास जी को उत्तर दे दिया। उस महात्मा ने कहा कि भगवान को किसने किसने दिया है, तो उस महात्मा के वाक्य को सुन करके तुलसीदास जी ने कहा कि रविदास को तारो तूने चामड़ा मढ़ावने को, गावने बजावने को गुणिका तारी है, नरसिंह मेहता को तारो बैवार चलावने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। उस एक ब्राह्मण था वहाँ खड़ा, उसने कहा मोहे तारो तो वाह में आपकी बढ़ाई है। उसने कहा कि भगवान मुझे भी तार सकते हो आप, तो भगवान ने कहा देखो जो मुझे देता है मैं उसको देता हूँ, जो मेरा यजन करता है, जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका स्मरण करता हूँ। तो रविदास जी की जो वाक्य थी, रविदास जी की जो गाथा थी, वो इतना भाव प्रगाढ़ था, भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा अयम सर्वभूत ही दे रहता, मैं चमड़े में भी, मैं प्राणी में भी हूँ, निर्जीव प्राणी में भी मैं हूँ। तो रविदास जी की भक्ति प्रधान पुरुष होने के कारण, रविदास जी की भक्ति प्रधानता होने के कारण, रविदास जी उस कठोते में ही गंगा की अनुभूति का एहसास करते थे।
और जलम मिच्छतु भावतः, जलम मिच्छतु भावतः, व्याकरण कहता है कि महान पुरुष जिस जगह बैठते हैं जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, राम जहाँ जाते वहीं अयोध्या बन जाता, महापुरुष जहाँ जाते वहीं तीर्थ हो जाता। तो रविदास जी जहाँ बैठते थे, रविदास जी जिस कठौती में जल को रखते थे, वो जल ही गंगाजल जैसा पावन हो जाता था। तो इसका साधारण सा अर्थ यह है कि महापुरुष किसी भी वस्तु को जब स्पर्श करते हैं तो वो महान हो जाता है। इसलिए रविदास जी की महानता अत्यधिक दिव्य है और अत्यधिक महान है। मैं पुरुषोत्तम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। रविंद्रपुरी जी महाराज का पूरा आशीर्वाद इसे है और यह रविदास फिल्म, हिंदी फिल्म बहुत आगे बढ़े, इसी की मंगलमय कामना माँ भगवती से, कार्तिक भगवान से और माँ गंगा से करते हैं हम सब कि आपका जीवन यशस्वी हो, आप दीर्घजीवी हो और इस प्रकार से कार्य करते रहें।